वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल में 4 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने आदेश जारी किए हैं। बैतूल के मुलताई विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 275 राजापुर, मतदान केंद्र क्रमांक 276 डूडा रैयत, मतदान केंद्र क्रमांक 289 कुंदा रैयत और मतदान केंद्र क्रमांक 280 चिखली माल में 10 मई को दोबारा मतदान होगा। बता दें कि इन मतदान केंद्रों की सामग्री बस में आग लगने के कारण जल गई थी। बस में 6 मतदान केंद्रों की सामग्री थी, जिसमें से 2 मतदान केंद्र की सामग्री सुरक्षित बची थी। गौरतलब है कि 7 मई को मतदान कराकर लौट रही बस दुर्घटना का शिकार हो गई। इसकी जानकारी बैतूल जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजी गई थी। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान के आदेश जारी किए। इसके पहले बैतूल में बसपा उम्मीदवार की मौत हो जाने के चलते इसके मतदान तीसरे चरण में कराए गए थे। बता दें कि बैतूल में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है और दोनों ही दलों के बीच यहां कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। कि जैसा आपको बताई थी कि बैतूल लोकसभा निर्वाचन में जो विधानसभा क्षेत्र मुलताई के कुछ मतदान केंद्र थे, जहाँ अग्नि दुर्घटना के कारण कुछ मशीनें जल गई थी, वहाँ निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हम लोगों ने पुनर्मतदान की कार्रवाई की है और आज पुनर्मतदान से संबंधित जो सभी दल है 4 मतदान केंद्रों के, वो सब यहाँ से सकुशल रवाना हो चुके हैं और कल प्रातः 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान होगा और इस सुरक्षा के और मतदान दलों के आवागमन के और जो भी निर्वाचन आयोग के जो दूसरे प्रावधान है। वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ बैतूल से संवाददाता राजेश पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, बैतूल में 7 मई को चुनाव हुआ, उसके बाद चुनाव आयोग की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है और 10 मई को दोबारा से 4 मतदान केंद्रों पर मतदान करवाया जाएगा, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। हाँ जी, 7 तारीख को तीसरे चरण का जो मतदान हुआ था तो वही बैतूल के मुलताई विधानसभा क्षेत्र में 4 मतदान केंद्रों पे जो मशीन लेकर के आ रहे थे, ये मशीन उस वक्त में आग लग जाने के कारण वो मशीनें खराब हो गई थी, जिसको लेकर के कलेक्टर ने प्रशासन को सूचना दी और चुनाव आयोग द्वारा बताया 10 तारीख को पुनः उन 4 मतदान केंद्रों पे मतदान कराए जाएंगे। वही राजेश, अगर बात करें तो जिस तरीके से ये बड़ी दुर्घटना हुई थी, उसके बाद सुरक्षा को लेकर क्या कुछ अहम इंतजाम कराए जाएंगे? वो भी जांच चल रही है और इस मामले में कि किस कारण से आग लगी, किस तरह से ये घटना घटित हुई है, लेकिन किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 6 मतदान केंद्रों की उसमें ईवीएम थी, लेकिन 2 जो है सुरक्षित रहेगी और 4 मतदान केंद्र है, जिसमें राजापुर मतदान केंद्र, डूडर रैयत मतदान केंद्र, कुंदन रैयत और चिखली माल 4 मतदान केंद्र थे। इसकी मशीनें जलने के कारण इस पे 10 तारीख को पुनः मतदान होंगे। वही राजेश, अगर बात करें तो इससे पहले भी बैतूल लोकसभा सीट पर परिवर्तन किए गए थे, क्योंकि पहले 26 तारीख को मतदान होना था, उसके बाद 7 मई की तारीख का ऐलान हुआ, उसके बाद इस तरीके की दुर्घटना होना, तो मतदाताओं का रुख किस तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, 26 तारीख को मतदान होना था, लेकिन चूंकि बहुजन समाज पार्टी से जो कैंडिडेट खड़े हुए थे उनका हार्ट अटैक से निधन हो जाने के कारण फिर यहाँ पे परिवर्तन किया गया और 7 तारीख को तीसरे चरण में मतदान हुए हैं। यहाँ पर लोगों का रुझान तो ऐसा है कि पिछली बार से थोड़े से कम मतदान हुए हैं औसत, जो कि कुछ लोगों का पक्ष में भी है, कुछ लोग का विपक्ष में भी है। अब तो जो होना है 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसमें ही समझ पाएगा, लेकिन कुछ जगह पर विरोध भी हो रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ जगह मतदान नहीं किए हैं गाँव वालों ने और कुछ जगह ऐसी जगह थी जहाँ पे सांसद ने गांव को गोद लिया हुआ था और वहाँ पर भी लोगों ने नदी पार करके मतदान किए हैं इस बार। जी ठीक है, राजेश पाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने। आपको बता दें कि बैतूल में अब 10 मई को एक बार फिर से मतदान कराया जाएगा। 7 मई को मतदान संपन्न होने के बाद जो दुर्घटना घटी उसमें जो ईवीएम की सामग्री थी वो खराब होते हुए नजर आई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये बड़ा और अहम फैसला लिया है।